जानवर इनको खाएं। जी उसके बाद तीसरी ये है कि हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए हैं। एक तो इसकी ये है कि इसके दो हमारे फ़ायदे हैं, एक तो ये पूरा हमें थोड़ा सेव रखते हैं, दूसरा ये कोई जानवर कोई मसला हो जाए हम देख लेते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न फार्म में। जो ये फार्म है ये डेयरी फार्म के लिए, कटा फार्म और फैटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस फार्म में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही सहूलतें मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, और इसके साथ बहुत इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे फैटिंग के लिहाज से। तो चलें जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम सर, अपना नाम बता दें। मोहसिन अली। अच्छा मोहसिन भाई, ये जगह कौन सी है? ये पसरूर के नज़दीक है, गाँव डुगरी हुंदला। अच्छा मोहसिन भाई, हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका फार्म, इसकी इस तरह की जो स्ट्रक्चर है हमने बहुत कम देखी है। बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म भी, कटा फार्म, बच्चा फार्म विज़िट किए हैं, मगर जिस तरह से आपकी बिल्डिंग है इस तरह से हमने बहुत कम बिल्डिंग्स देखी हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है। इसका जो आइडिया है आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह से आपको आया, किस तरह से बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए? ये सर हमने अपने आइडिया से बनाया ये माशाल्लाह, इंटरनेट वगैरह से देख के। तो इसकी जो मतलब आप कह रहे हैं जो गाइडलाइंस है आपको यूट्यूब वगैरह से आपको मिली है? बिल्कुल, यूट्यूब से मिली है। ठीक है। अच्छा हम देख रहे हैं कि अभी तक आपके पास नहीं, इधर जानवर बहुत कम है, तो आपका जो बेसिक कारोबार है वो फैटिंग का है या डेयरी फार्म का है? नहीं, बेसिक हमारा फैटिंग का है, और अभी तो जानवर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मतलब हम स्लॉटरिंग के लिए देते हैं। जी जी। तो नेक्स्ट माल आता जाता है और ऐसे ही हम बेचते रहते हैं। ठीक है, अभी माल ख़त्म है तो इंशाल्लाह साथ साथ आता जाता है और साथ हम इसको स्लॉटिंग के लिए भेज रहे हैं। अच्छा स्लॉटिंग के लिए, चलो अभी काफ़ी सवाल आते हैं बेसिक, आपने बात किया स्लॉटिंग, आप इधर लोकल क्यों नहीं सेल करते? लोकल यहाँ पे रेट ही नहीं लोग देते हैं जितनी हम इस पर खर्चा वगैरह करते हैं। जी जी। स्लॉटिंग के लिए अभी रेट कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर अगर हम देखें जो कसाई लोग हैं उनको बेसिकली देना है हमने, वो हमें देते हैं 400 रुपये। जी ठीक है। स्लॉटिंग लिए हम देते हैं 450-470 रुपये दे रहे हैं जी। तो ये वजह। अच्छा भाई ये बताएं कि स्लॉटिंग के लिए किस तरह से इसका जो प्रोसेस है, किस तरह से जानवर वहाँ पे उनको मतलब दे सकते हैं, ऑर्डर उनका किस तरह से बुक करवाते हैं अपना वहाँ पे? ऑर्डर जब हमारा माल तैयार हो जाना है जी जी, उनको वेट बता देना है कि जी हमारा इतना वेट है, इतने जानवर हैं हमारे पास, वो ऑर्डर लिखवाना है, तो जब ऑर्डर निकला एक दो दिन में वो फिर ले जाते हैं वहाँ पर। अच्छा खुद लेके जाना पड़ता है या नहीं? ये कंपनी जो है, मैं जो गाड़ी है, जो अमला है, वो उनका आता है आपके पास इधर? गैरेज जो आता है वो कंपनी देती है हमें। अच्छा, कम से कम कितने जानवर बुक करवाए जा सकते हैं? कम से कम अगर 1000 जानवर, वो भी कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। ये तो ज्यादा से ज्यादा बताए, कम से कम भाई पूछ रहे हैं। हाँ कम से कम 15-20। हाँ 15-20 जितने भी हों वो हमारे जानवर वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा आपके नज़दीक कोई स्लॉटर हो, उस कोई कंपनी जहाँ पे लोग आपके मतलब वहाँ पे जो है ना लोग जा सके वहाँ, मतलब स्लॉटर उससे नहीं भी नहीं को मिलते अक्सर लोगों को, कहते हैं स्लॉटर हाउस कहाँ पे होगा करीबी तरीन, आपके करीब तरीन कोई स्लॉटर हाउस? हमारे करीब ना यही है बस, इधर नारंग मंडी में एशिया स्लॉटर हाउस। जी जी ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा सुना है, माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है ये। हाँ, और भी बहुत सारे लाहौर में, रायवंड में, ताजिस वगैरह, जीनत वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा हमें ये बताएं मोहसिन भाई कि जो जानवर हैं आप ख़रीदते हैं, इनको मंडियों से किस हिसाब से ख़रीदते हैं और क्या समझ के ख़रीदते हैं, उनको लाइव वेट करके ख़रीदते हैं या बाय आई देखते हैं, यानी कि उनको देख के लेते हैं जानवर? नहीं नहीं, हम जो करते हैं मीट का काम करते हैं, ये हम लाइव वेट ही लेते हैं उनसे ख़रीद के, मतलब पर केजी के हिसाब से। ठीक है, कंडा लगा हुआ है तो उस हिसाब से हम लेते हैं। अच्छा ये जो मतलब तोल के ले रहे हैं, इसमें कोई फ़ायदे होते हैं? बिल्कुल फ़ायदे होते हैं। क्या क्या इसके थोड़ा सा डिस्कस कर दें? इसमें फ़ायदा यही है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना इसका कितना वेट है और कितना इसका लाइव वेट और कितना इसका वो मीट निकलेगा। अच्छा ये तो ये भी होगा, दूसरा ये हो जाता है चलो जी एक स्लॉटर उसमें क्या प्राइसेस चल रही हैं या मतलब आपको किस हिसाब से वो मिल रहा है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा तो उसमें अगर रेट चल रहा है ना उस हिसाब से हमने अपनी एवरेज निकाल लेनी है, हमें ये 210 रुपये जितना भी होगा हम उस हिसाब से ये ख़रीदेंगे, अगर रेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम अपनी एवरेज निकाल लेंगे।
अच्छा मोहसिन भाई, आप फैटिंग का भी काम कर रहे हैं अपने इधर कर रहे हैं अपने फार्म में, तो दूसरा आप मंडियों से नहीं सेल खरीद के उधर स्लाटर हाउस में, अगर आपको मंडियों से अच्छे रेट मिल जाए तो स्लाटर हाउस में अच्छे रेट हों? बिल्कुल हम करते हैं जी जी, हम मंडियों से माल खरीदा सीधा स्लाटिंग के लिए भेज देते हैं। अगर आपको अच्छी परचेजिंग आपको अच्छी परचेजिंग मिले तो हम वहाँ पर दे देते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, किस एज के जानवर फार्म के लिए इधर फैटिंग के लिए खरीदने चाहिए हमें? एज का नहीं साहब, कोई यहाँ वेट का होता है जी जी, के इतना वेट कम से कम होना चाहिए जी। ये वेट है हमारा जो हम इधर अपने फार्म पे लेके आते हैं, ये हमारा 230 220 हम लाइव वेट लेके आते हैं जी। इसको जी हमने 300 पौने 300 करके हमने स्लॉटिंग के लिए भेज देना होता है। इसमें कितना टाइम लगेगा 300 पौने 300 तक जाते हुए? ये 2 महीने लगेंगे, 2.5 महीने लगेंगे। जिस तरह हम तैयार करते हैं इनको, हम अपना वंडा वगैरह बनाते हैं जी जी। पहले हम कंपनियों से लेते थे लेकिन अब हम अपना बनाते हैं। उसके बाद हम साइलेज वगैरह अपना बनाते हैं, तो हमारे पास टोटल मशीनरी अपनी है, अपना वो 20-25 एकड़ हम मकई वगैरह, वो इस तरह हमें थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जी। ये जो साइलेज है ये इनके लिए सेहत के लिए अच्छा है, वेट करने के लिए अच्छा है, इसके अलावा कुछ अच्छा और भी? बिल्कुल अच्छा है, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है, दूसरा ये है इसमें लेबर बहुत कम है। अगर हमने 150 जानवर रखा हुआ है तो हमारे पास एक आदमी है बस, जो एक लेबर है जो इसको संभालता है जी जी। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताएं कि आपने साइलेज की बात की है, तो साइलेज आपने बता रहे हैं कि हम अपना खुद बनाते हैं, तो क्या ये आप अपने इलाके में इसको सेल भी करके बना के? बिल्कुल बिल्कुल, हम बना के भी देते हैं, हमारे पास टोटल मशीनें वगैरह मौजूद हैं जी जी, और जो हम कहे तो 2, 4, 10, 20 एकड़ हम बना के भी देते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स हम शायद मोहसिन भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो आपका फार्म है ये कितनी जगह पे मौजूद है? ये तकरीबन सर सारी जगह कितनी है? ये तकरीबन 36 मरले हैं, इसमें से थोड़ा सा लेबर रूम वगैरह ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, तो ये 25 मरले में ये है, ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग जो बिल्डिंग है जी जी। तो इसमें कितनी गुंजाइश जानवर रखने की? इसमें जानवर तकरीबन 150 जानवर हम रख सकते हैं इसमें। 150 जानवर जी, ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, कोई आइडिया वगैरह इस पर जब आपका कोई खर्च, कुछ थोड़ा सा आइडिया बता देंगे कितने में ये बन जाता है, थोड़ा सा कोई ये देखें अराउंड अबाउट हो बात, एग्जैक्ट ना भी हो क्योंकि रेट्स आगे पीछे होते रहते ये हैं। तकरीबन हमारा 30 से 35 लाख, यानी काफ़ी सारे चलो। हाँ, हमारा तकरीबन जो बिल्डिंग्स हमारी साइड पे है इस पर भी 30 से 35 तक लग गए। मोहसिन भाई ये बताएं कि आपके फार्म में आपने अपने जानवरों को क्या क्या सहूलतें दी हैं, आपके इधर सहूलतें में क्या क्या देखने को मिलेंगी? इधर सर सहूलतें यही हैं कि हमने जो पानी का सिस्टम बनाया ये ऑटोमेटिक है सारा जी जी, जानवर का जब जी चाहे पिए जी। उसके बाद हमने ये चारे के लिए जो बनाई हैं, ठीक है, वो हमने एक बार डाल देना है जी जी, और ख़ुद ब खुद जानवर इनको खाएँ जी। उसके बाद तीसरी ये है कि हमने CCTV कैमरेज वगैरह लगाए हैं, एक तो इसकी ये है कि इसके दो हमारे फ़ायदे हैं, एक तो ये पूरा हमें थोड़ा सेफ रखते हैं, दूसरा ये कोई जानवर कोई मसला हो जाए हम देख लेते हैं इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्म पे नहीं हैं तो हम इनको देख सकते हैं कि हमारे जानवर क्या कर रहे हैं, अल्लाह ना करे जानवर को कोई मसला हो जाए फिर हमें रात में हो जाए हमें पता ना चले कि क्या मसला हुआ है इनको, ठीक है, तो वो हम कैमरे उनके बैक करके हम देख सकते हैं कि हमारे जानवरों का क्या मसला और क्या वजह हुई है जानवर को नुकसान हुआ है जी। तो ये आप ज़रूरी समझते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलत और बहुत ही अच्छी बात किया जो आपने स्पेशली कैमरे को फोकस किया है जी। बिल्कुल, एक तो इनकी लुक आफ्टर और दूसरा देखभाल, वैसे भी कोई मसला वगैरह इशू हो जाए जी वो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ी सी हम आपकी जो है ना इसकी जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर है पानी का जो आपका सिस्टम है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये किस तरह से है, और ये जो दरमियानी जगह तो ये सारी इसके लिए बेड है मतलब चारे के लिए, ये खुरली हैं तो जानवर आपके खुले रहते हैं या इनको बांधने की ज़रूरत होती है? नहीं नहीं, इनको हम खुले रखते हैं, खुले रखते हैं जब हमने वहाँ से मंडी से लेके आने हैं, ठीक है, इनकी वैक्सीन वगैरह करके हम इनको खोल देते हैं। अच्छा वैक्सीन की बात है, हमने पूछी नहीं, तो वैक्सीन किस तरह से खुद करते हैं या डॉक्टरों से करवाते हैं? नहीं हम खुद करते हैं। क्या क्या जरूरी कौन कौन सी से करवाई है जी जी, लेकिन अब हम खुद करते हैं। तो ज़रूरी कौन कौन सी है फैटिंग के लिए जो वैक्सीनेशन आप बछड़ों के लिए करवाते हैं या? ये मुंह खोर की होती है ज़्यादा, मुंह खोर की जी। इसके अलावा कोई और कुछ? इसके अलावा तो कोई नहीं, उसके बाद हमने एक दो दिन बाद शुरू में हमने वो वैक्सीन वगैरह करनी है जी जी, उसके बाद हमने इनकी डिवर्मिंग करनी है जी जी, इसके अलावा और कुछ नहीं।
डिवर्मिंग कहते हैं कि 2-3 माह के बाद धराते हैं? नहीं, हम करते हैं डिवर्मिंग 3 दिन बाद जब फार्म पे जानवर आ जाने, उसके बाद 15 दिन बाद दोबारा फिर करनी है। जी जी मोहसिन भाई, आपने बताया कि वैसे भी आप जो जानवर हैं इधर 2-3 माह ही रखते हैं ना, तो आपको उधर आने की जरूरत है, एक दफ़ा करनी ही पड़नी। बिल्कुल, एक दो दफ़ा हम करते हैं। अच्छा, ये आपने बछड़ा फार्म रखे हैं, यानी बछड़े ही रखे हैं, आपने कटरा फार्म को नहीं देते? नहीं नहीं, वो हमने नहीं किया, क्योंकि उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमने शुरू से यही किया बछड़ों का। अच्छा मोहसिन भाई, आपने बताया था कि 200 के राउंड अबाउट केजी का वेट होना चाहिए जब आप अपने परचेजिंग को करें। बिल्कुल, तो जब आप इसको सेल करते हैं तो वो भी बताया आपने 250-300 होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन भाई, हमें ये भी बताएं कि इसमें आपका खर्चा कितना का आ जाता है, यानी कि 100 केजी तो कम से कम मिनिमम आप बढ़ा ही लेते हैं, फिर 100 केजी आपको खर्चा कितना, प्रॉफिट कितना का हो जाता है, एक आइडिया दे दें इसके बारे में। हमारा ये सर हो जाता है तकरीबन 2 केजी पर डे। जी जी, हमारा ये जनरल बढ़ाता है माशाल्लाह, तो इस पर हमारा 120-130 रुपये रोजाना का खर्चा है एक जानवर का। अच्छा, साइलेज और वनडे के अलावा इनको फैटिंग के लिए और क्या देते हैं? कोई चीज़ नहीं देते, बस यही साइलेज और वंडा कौन सा दे रहे हैं? खुद जो बनाते वंडा हम खुद बना रहे हैं, पहले हम मैक्सिमम कंपनी से खरीदते थे। अच्छा, कितनी मिकदार में देते हैं वंडा इनको? हम फिलहाल शुरू में देते हैं आधा केजी। जी जी, आधा केजी सुबह, आधा केजी शाम। ठीक है, और उसके बाद जब इन्होंने वेट जिस तरह बढ़ाना है बढ़ाना है, तो उस तरह से हमने क्या करना है कि इनको मतलब जब 300 केजी तक जाना है, जी जी, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम हो जाना है। अच्छा मोहसिन भाई, आलू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, आलू वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो कोई टिप्स अपने तरफ से देना चाहें दोस्तों को कि ये बिज़नेस कैसा है, थोड़ा सा बताएं जो इंटरेस्टेड हैं या करना चाहें इसको, उनको थोड़ा सा? जी बहुत अच्छा है ये बिज़नेस, तो बहुत अच्छा है। जी जी, अगर कोई दोस्त कोई भाई करना चाहे, जी जी, तो सबसे पहले है जी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, बाकी फिर कोई तरीकाकार से करें, मतलब जैसे हम साइलेज वगैरह बनाते हैं, अगर ठीक है, अगर हमारे कुछ भाइयों के पास मशीनरी वगैरह नहीं है वो करवा भी सकते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा मकूल रेट पड़ सकता है। ठीक है, तो बस थोड़े तरीकेकार से हम अपना काम करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपकी खिदमत में इस तरह से लेके आएंगे इसी फॉर्म की मोर एक्सपीरियंस मोहसिन भाई का। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।